तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आप लोग अरमान मलिक को जानते ही होंगे, इन्होंने दो शादी करी हुई है, बेसिकली इसी के लिए पॉपुलर भी हुए थे एंड दो शादी की वजह से काफी रोस्ट एंड ट्रोल भी होते रहते हैं। तो इन्होंने रिसेंटली अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी जहां पे वो बताए थे कि अब वो तीसरी शादी करने वाले हैं, बट ये सिर्फ एक प्रैंक वीडियो था, जिसके बाद से अरमान मलिक पे फिर से रोस्ट वीडियो बनने लगे। तो कल लक्ष्य चौधरी ने अरमान मलिक की तीसरी शादी का प्रैंक वीडियो को लेकर रोस्ट वीडियो निकाले, जिसका अरमान मलिक ने रोस्ट का रिप्लाई भी करी है। बट वो रिप्लाई वीडियो दिखाने से पहले आप लोग को मैं लक्ष्य चौधरी का वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं, देन फिर अरमान मलिक ने क्या रिप्लाई करी सो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। अरमान मलिक ने तीसरी शादी बिगड़ ली। मैं सही बता रहा हूँ, अरमान मलिक को राखी सावंत के साथ डिनर करना बंद करना पड़ेगा एकदम। ये बहुत गलत संगत का असर है भाई। आदमी रुकी नहीं रहा, करी एक और शादी। एक और? अरमान भाई, मैं मानता हूँ सलमान खान ने कहा था जीने के हैं चार दिन, पर प्रैक्टिकली चार से ज्यादा दिन है। और अगर जीने के सिर्फ चार भी दिन है तो क्या चार के चार दिन मंडप में ही बैठे रहोगे? जीवन में और भी बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे अरमान मलिक ने एक तरफ से सभी रोस्टर्स को रिप्लाई करते हुए कुछ ये कहे। सोशल मीडिया पे एक खबर फैल रही थी, आप तीसरी शादी करने जा रहे हैं। समझ आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को ना कॉमन सेंस, जब हम वीडियोस बनाते तो हम पहले बोले हम प्रैंक कर रहे हैं, और उस चीज़ का ना 10 बार सवाल पूछा जाता है। तो जब वीडियो शुरू होते ना, वहीं भी हमने बोला कि हम प्रैंक कर रहे हैं। तो कुछ लोग ना बार बार वही क्वेश्चन करते हैं, मुझे लग रहा है कि आज में ना मोती अभी है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, फिर सुनाई नहीं दे रहा। कमेंट्स में बहुत सारे लोग आते हैं ना कमेंट्स, तो मैंने आपसे क्लियरली पूछा। आप पूछ रहे हो, अच्छी बात है कि आपने अपने वीडियो पूछ ली, पर ये बात बोल रहा हूँ जो वीडियो नहीं देखते और ऊपर ऊपर कुछ भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग अरमान मलिक को लेके क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलो यार, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।